नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जात्यादि तेल के फायदे के बारे में। अगर आपको बवासीर जैसी समस्या है तो आप जात्यादि तेल का उपयोग करेंगे तो आपका जो बवासीर है या फिशर है या फिर आपको जब भी लैट्रिन स्टूल पास होता है तो आपको तेज वेदना होता है, जलन होता है या फिर खुजली होता है, एकदम खत्म हो जाएगा। या फिर आपको पाइल्स ब्लीडिंग जैसी होती है, जब भी पाइल्स होता है, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग जैसा होता है तो आपको ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको दोस्तों अगर आप जात्यादि तेल उपयोग करेंगे, मेरे हाथ में केरली कंपनी का जात्यादि तेल है। बहुत सारे फार्मेसी बनाती है जात्यादि तेल, जैसे कि डाबर की बनाती है, बैद्यनाथ की बनाती है और भी बहुत सारी फार्मेसी बना सकती है। कोई भी फार्मेसी का आप ले सकते हैं बड़ी आराम से और इनके जो फायदे हैं सब इक्वल ही हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इनके बात करेंगे इनके गुण के बारे में, किन बीमारियों में दे सकते हैं। तो अगर बात करें सबसे मुख्य बीमारी में अगर यूज करने वाली जो औषधि है वो बवासीर ही है दोस्तों। अगर आपको बवासीर जैसी समस्या रहती है, बवासीर एक प्रकार का इसमें जब भी आप भी लैट्रिन करने जाते हैं तो आपको तेज जलन या फिर आपको दर्द जैसा महसूस होता है या फिर आपको लैट्रिन करते समय आपको एकदम पिछला ही सब ब्लीडिंग आता है तो आपको हो सकता है पाइल्स हो रहा है दोस्तों। या फिर आपको लैट्रिन करते हैं तो आपको लैट्रिन के साथ मिक्स करके ही आपको जो स्टूल में आपका ब्लड आ रहा है तो आपको हो सकता है दोस्तों फिशर हो रहा हो। तो ये बवासीर और फिशर की बीमारी है दोस्तों। अगर आपको ये समस्या देखने मिलती है तो आप ये जात्यादि तेल का उपयोग कर सकते हैं, आपका एकदम ठीक हो जाएगा दोस्तों। इनको यूज कैसे करना और कब यूज करना है, कितने टाइम यूज करना है ये बताएंगे दोस्तों वीडियो में। तो सबसे पहले इनके यूज करने के तरीके के बारे में बात करेंगे जात्यादि तेल में। तो सबसे पहले जात्यादि तेल कैसे यूज करेंगे, अगर आपके पास जात्यादि तेल है कोई भी फार्मेसी का तो सबसे पहले आपको जात्यादि तेल के साथ आपको एक सिरिंज लेनी है जो कि नीडल हटा लेनी है दोस्तों। देख सकते हैं नीडल नहीं है इस पे दोस्तों। और इसको फिर इसके बाद जात्यादि तेल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें 5 ml से 3 ml जो भी आपके पास सिरिंज है, मोस्टली 3 ml सिरिंज हो क्योंकि ये गुदा मार्ग में डालने में आसान हो जाती है। फिर ये 3 ml सिरिंज इसमें भर लेना है दोस्तों। हम इसमें भर नहीं रहे दोस्तों इसलिए क्योंकि अभी बाहर आ जाएगा, लीकेज होने लगेगा तो मेरे ऊपर गिरने का समस्या रहेगा। तो ये 3 ml लगभग इसमें जात्यादि तेल भर लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद करना क्या है, 3 ml ये आपके गुदा एरिया में आपको मल त्याग से पहले डालना है। मल त्याग में ऐसे अगर आपका जो मल द्वार है, ऐसे मान लीजिए आपका मल द्वार है, इसमें आपको फिट करना है आपको ये सिरिंज। या सिरिंज नहीं जा पा रही तो एक रबर जैकेट ले लीजिए 6 नंबर का, या फिर आप K90 आता है बाजार में वो ले सकते हैं। मल द्वार में आपको फिट कर लेना अगर आपका मल द्वार है दोस्तों, दे सकते हैं। और फिर उसमें फिट कर लेना, फिट करने के बाद आपको पुश कर देना दोस्तों। पुश करने के बाद जो जात्यादि तेल है आपके मल एरिया में चला जाएगा, आपके इनर कैनाल में चला जाएगा। इनर कैनाल में जाने के बाद वहां पे जो फिकोलित हो रहा है, जब भी आप लैट्रिन पास करते हैं तो आपका जो पहला स्टूल पार्ट होता है वो हार्ड हो जाता है, फिकोलित जिसे बोलते हैं। तो हार्ड होने के कारण जो आपका इनर एरिया होता है, जब भी रेक्टम एरिया या फिर इनर एरिया, वहां पे आपको एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है हार्ड स्टूल होने की वजह से, क्योंकि वहां पे रफ कर जाता है तो वहां की स्किन को रप्चर करने के कारण वहां पे लॉन्गिट्यूडनल कट हो जाता है जिससे फिशर बवासीर जैसे रोग जैसे उत्पन्न कर देता है दोस्तों। तो ये समस्या आती है जब भी स्टूल टाइट होता है कॉन्स्टिपेशन होने के कारण। तो जात्यादि तेल आपके फर्स्ट स्टूल को जो टाइट हो रहा है उससे आपको रिलीफ मिलाएगा, आपके जो इनल एरिया है वो स्मूथ बनाएगा, एकदम इनल एरिया है उसमें नरिशमेंट पहुंचाएगा और आपका इनल एरिया एकदम स्मूथ हो जाएगा दोस्तों। स्मूथ होने के कारण जब भी आप स्टूल पास करेंगे तो एकदम फटाक से पास हो जाएगा दोस्तों और कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी क्योंकि स्टूल एकदम स्लिपरी हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद आपको डालना कब कब है, सबसे पहले तो आपको जब भी मल त्याग से पहले डालना है और रात में एक बार सोने से पहले डालना है। ऐसे करने से आपका जो बवासीर और फिशर की समस्या एकदम दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो इनको कितने लंबे समय तक ले सकते हैं आप, जब तक आपका मल द्वार ठीक नहीं हो जाता, जब तक आपका बवासीर और फिशर की समस्या नहीं ठीक हो जाती तब तक आप ले सकते हैं। 2 महीना 3 महीना तक आराम से ले सकते हैं, कोई भी इनका साइड इफेक्ट नहीं। और भी बहुत सारे उपयोग में ली जाती है, जैसे आपका कुछ जैसे कोई घाव लग गया है या फिर सल से कोई घाव लग गया है या फिर आपका जो विष होता है जैसे कि मकड़ी का विष होता है उसमें भी दिया जा सकता है दोस्तों। उसमें वाउम हीलिंग में भी बहुत ही लाभकारी औषधि है, अगर आपको कोई घाव हो गया है उनमें भी बहुत ही लाभकारी है और ये आपके इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है दोस्तों। और साथ में जिन प्रकार के हील नहीं हो रहे हैं या फिर आपके जो खुजली हो रही है, विषत हो गया है, उनमें भी बहुत ही लाभकारी औषधि है जात्यादि तेल। और सेकंड
हम बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें मिली होती है जिससे जात्यादि तेल बना होता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे इनमें कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट इसमें चमेली के पत्र होते हैं और करंज के पत्ते होते हैं, कूल्ड होता है, नीम के पत्ते होते हैं, और इसमें मोम होता है, हल्दी होता है दोस्तों, पटोल पत्र होता है, और मुलेठी होता है, दारू हल्दी होता है, मंजी, पद्माक, लोध, हरे इसमें होते हैं, और साथ में नोलोफर जैसे कि नील कमल बोलते हैं, नीला थोता होता है, सारिवा होता है, और करंज होता है दोस्तों, और इसमें बीज होता है। तो ये इतने औषधि होते हैं कि समान भाग में पड़े रहते हैं, इनको पीस के एकदम कल्क बना लेते हैं, फिर इसमें चार गुना तेल डालते हैं, फिर तेल का चार गुना वाटर डालते हैं, फिर इसमें अग्नि पर हल्का हल्का गर्म करते हैं। जब ये पानी जो शेष रह जाता है वो एकदम उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको उतार के जात्यादि तेल प्रिपेयर हो जाता है। तो ये रही संपूर्ण जानकारी जात्यादि तेल के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।